you to play something nice, whichever, whatever you feel like. There are lots of requests for Aaoge Jab Tum Sajna, if you would want to do that or any other song. Achha, main kuch line gurgunata hun uski. Zarur, zarur, zarur. इसके बारे में थोड़ा आपको बताऊं। हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि इसका जो मुखड़ा बना था कि आओगे जब तुम साजना अपना फूल खिलेंगे, मैं इसका प्रोसेस बताता हूँ जो शायद बहुत अच्छा लगेगा लोगों को, एंड देन आई ऑफ कोर्स आई विल सिंग आल्सो। जब ये गीत बना और आओगे जब तुम ओ साजना अंगना फूल खिलेंगे, सिर्फ इतना ही मेरे से बन सका। उसके बाद मैंने कोशिश की, इसका आगे का पार्ट ही नहीं बन रहा था क्योंकि मैं जैसा चाहता था वैसा नहीं बन रहा था। कुछ दो चार महीने गुजर गए, फिर एक दिन मेरे से ये लाइन बनी। बरसेगा सावन, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिलेंगे, आओगे जब तुम वो साजना अंगना फूल खिलेंगे। अब इसके बाद ये गीत इतना ही बन पाया, मैंने भी छोड़ दिया कि अब देखेंगे कब इसका आगे अंतरा कब बनेगा क्या होगा। इस गीत को बने हुए जब 15 साल हो गए थे, उसके बाद इम्तियाज ने कहा कि ये गीत मैं अपनी फिल्म में डालूंगा, इसका अंतरा बनाओ। मैं उसमें तो 15 साल तक आपके पास सिर्फ मुखड़ा था इसका जी और वो भी 2 किश्तों में बना था मुझे जो मैं चाहता था वो बन नहीं रही थी। तो मैं सोचता था कि जब तक उसको रखूंगा नहीं, गीत के अंदर शामिल नहीं करूंगा जब तक मन पसंद का नहीं आए। फिर एक दिन चलते चलते, अब अक्सर क्या होता है जब आपका कोई होमवर्क आपके सिर पे होता है ना कि गीत का मुखड़ा रह गया है, इसका अंतरा बनाना है, आगे का पार्ट बनाना है, तो अक्सर आप कहीं भी कहीं अच्छी जगह होते हो उससे आज कुछ बना के देखता हूँ। तो फिर मैं ड्राइव कर रहा था एक दिन और ये गीत का अंतरा बना। नैना तेरे कजरारे नैनों पे हम दिल हारे, अनजाने ही तेरे नैनों ने वादे किए कई सारे। अब मैं इसका आपको ओरिजिनल लाइन सुनाता हूँ जो उसके साथ बनी थी। नैना पागल करे नैना मोसे कहे, बरसेगा सावन झूम झूम के, दो दिल ऐसे मिला। फिर जब हम लोग स्टूडियो में पहुंचे इसको शुरू किया, तो ये इतने किश्तों में गीत बना जो नवीन ने फ्लूट पे है। एकदम आपने संदेश भाई समा बांध दिया, मजा आ गया सच्ची में। मुझे लग रहा है अब मैं शट अप हो जाऊं, अब मैं कुछ पियानो आपके पास है, अब आपकी बम बजाओ जो खान साहब ने गाया। मैं एक और सवाल है कि राशिद खान साहब को चूज करने का कोई खास कारण था या was there a story behind that also, especially उन्हीं को क्यों इस गाने के लिए आपने चूज? राशिद खान साहब का मैं बहुत फैन रहा हूं और मैं अक्सर उनको सुनता रहता था, उनकी बंदिशें जो वो क्लासिकल म्यूजिक गाते थे। तो मुझे राशिद खान साहब, आमिर खान साहब, भीमसेन जोशी साहब, पंडित जसराज, इन लोगों को मैं बहुत सुनता था तो मैं पर चूंकि ये सबसे यंग थे और इनकी आवाज में मुझे हमेशा एक दर्द दिखाई देता था कि ये बहुत दर्द है इनकी आवाज में छुपा हुआ। तो फिर मैंने इनको रिक्वेस्ट किया
कि खान साहब आप प्लीज एक गीत है जो इसमें गाएं आप। और हमारे एक दोस्त है हनीफ भाई जो हमारे साथ तबला बजाते हैं, मैंने उनको रिक्वेस्ट किया कि भाई आप मेरी तो मुलाकात नहीं, आप प्लीज बात कीजिए। तो हनीफ भाई ने उनको कॉल किया, आप मेरी बात कर रही, तो अग्री किया उन्होंने, ठीक है मैं गीत गाऊंगा। और फिर ये गीत जो है मुकम्मल हुआ और परमात्मा ने आशीर्वाद दिया खूब ढेर सारा।